कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत जो हमारा पहला पेपर है समकालीन भारत एवं शिक्षा, उसमें हमने थर्ड यूनिट जो है स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम स्वतंत्र भारत में जो हमारा भारत आजाद हुआ है 1947 में, उसके बाद के जितने भी आयोग या समितियां बनाई गई है उन सबके बारे में अध्ययन बारी बारी से करते रहेंगे। उससे पहले यानी कि सबसे पहले जो है उसमें कौन सा आयोग गठित किया गया है, वो विश्वविद्यालय आयोग जो है आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको राधाकृष्ण आयोग के नाम से जाना जाता है, जो आपका 1948 में गठित किया गया है और 1949 में यानी कि लगभग एक साल के बाद में उन्होंने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपा है, जो कि 747 पेजेस का एक बृहद डॉक्यूमेंट सौंपा गया है। और उस डॉक्यूमेंट में कम से कम 15 चैप्टर जो है वो उसमें विभाजित है, वो अध्याय विभाजित है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो आपका उसमें विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए गए हैं जो सरकार को मानने के लिए या सरकार को लागू करने के लिए शिक्षा को, शिक्षा के क्या उच्च शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, उच्च शिक्षा का प्रशासन किस प्रकार से होना चाहिए, उच्च शिक्षा का संगठन किस प्रकार से होना चाहिए, उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या हो सकता है ना, उच्च शिक्षा को किस माध्यम से दिया जाना चाहिए, उच्च शिक्षा में क्या हम ग्रामीण जो क्षेत्र है उसके लिए अलग से ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा के लिए, जैसे कृषि शिक्षा होती है तो कृषि शिक्षा के लिए कुछ को अलग से उचित कदम हमें उठाने चाहिए या नहीं उठाने चाहिए, तो विभिन्न प्रकार के उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं जिनको हम बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। कुछ सुझाव को हमने पिछले उसमें भी शुरू किया था, तो 2-3 सुझाव हमने उसमें पूरे किए थे। आज हम नए सुझाव लेकर के आए हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिशें या सुझाव। आज हम सबसे पहले उच्च शिक्षा के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे कि उच्च शिक्षा, जैसे उच्च शिक्षा स्तर पर हमारे बच्चे जो है उनका लेवल जो है आईक्यू लेवल जो है बढ़ जाता है, उनका बौद्धिक स्तर जो है वो बढ़ जाता है, उनको हमें किस प्रकार का ज्ञान लेना है, वो ज्ञान जो हम छोटे स्तर पर एक ब्रीफ में देते आ रहे हैं, संक्षिप्त रूप से देते आ रहे हैं, तो वो ज्ञान जो है अब उनको पूरी जानकारी देनी है, उसकी विस्तार से जानकारी उनको देनी है ना। तो अब देखते हैं कि राधाकृष्ण आयोग ने, जब हमारा ही आयोग हो गया, फुल फ्लेश भारतीय का ही आयोग हो गया, तो उन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से वो छात्रों में क्या क्या चीज डेवलप करना चाहते हैं, जैसे ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और मानसिक दृष्टि से प्रबुद्ध हो, यानी कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास ये करना चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से, यानी कि उनको ऐसी शिक्षा दी जा सके जो बच्चों को अपने शरीर के प्रति अवेयर कर सके, क्या हम खाए, क्या हम पिए, कितना आहार ले, हम कितने विहार आचार विचार हमारे किस प्रकार के होने चाहिए, आहार विहार हमारा किस तरह का होना चाहिए, कब हमें लेना चाहिए आहार, कितना आहार लेना चाहिए, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। तो उससे क्या होगा, उससे बच्चों का बहुत शारीरिक विकास भी होगा और आपका मानसिक विकास भी हो गया, मानसिक शक्ति का विकास भी उससे किया जा सकता है। इस शारीरिक विकास के लिए कुछ व्यायाम भी उसमें पाठ्यक्रम में रखे जाएंगे, कुछ खेल कूद की चीजें भी रखी जाएंगी, कुछ योगा से संबंधित भी कुछ चीजें रखी जाएंगी, इन सबसे शरीर जो है बलिष्ठ बनेगा। दूसरा इसमें रखा है कि व्यक्तियों के अनुवांशिक गुणों को ज्ञात करके उनका विकास करना, यानी कि हर छात्र के अंदर जो अनुवांशिक गुण होते हैं कुछ उनके माता पिता से उनको ट्रांसफर होकर आते हैं, तो उन गुणों का पता लगाना कि कौन कौन सी गुण है, मालिया जो अगर प्रतिभाशाली जो माँ बाप रहे हैं तो उनके बच्चे भी शायद ये उम्मीद होती है कि प्रतिभाशाली रहे हो, या किस क्षेत्र में वो आगे थे उस क्षेत्र में उनकी जांच करें कि वो किस क्षेत्र में आगे थे और उनको फिर उस क्षेत्र में विकसित करने के लिए उनको ज्ञान दे, उनको शिक्षा दे। तीसरा इन्होंने बताया कि अपनी शिक्षा के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है या ऐसे छात्राओं का निर्माण करना है जो राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग, वाणिज्य आदि क्षेत्रों में नेतृत्व कर सके, यानी कि लीडरशिप मेकिंग की बात आ रही है यहाँ पर कि इन क्षेत्रों में राजनीति हो, और इसके अलावा भी तो मतलब 5-4 चीजें बताई गई हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे आपका जज का, वकील का, चाहे चिकित्सा शास्त्र का क्षेत्र हो, मतलब किसी भी क्षेत्र में वे नेतृत्व कर सकते हो,
है, ऐसी उसकी प्रतिभा को जगाने की कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो दूरदर्शी हो, बुद्धिमान हो और बौद्धिक दृष्टि से श्रेष्ठ हो और समाज सुधार के कार्यों में वो आवश्यक जो है सहयोग उसमें देने की एक इच्छा हो या जागरूक हो इस कार्य करने के लिए। यानी कि दूरदर्शी किसको कहते हैं? दूरदर्शी कहते हैं कि दूर की बात सोचता है, जो बहुत आगे की बात सोच लेता है कि कहां पर हमारा भला हो सकता है, कहां पर हमारे लिए ग्रहण हो सकता है, तो वो भविष्य के बारे में भी सोच लेता है। और जो है बुद्धिमान होना चाहिए, बौद्धिक दृष्टि से वो श्रेष्ठ होना चाहिए, यानी कि उनका बौद्धिक लेवल जो है काफी ऊंचा होना चाहिए, उनको रिसर्च वर्क के लिए तैयार करना चाहिए और जो समाज सुधार के कार्य में सहयोग दे सके, इस प्रकार के छात्र छात्राओं को हमें वहां पर डेवलपमेंट करना है, छात्र छात्राओं को तैयार करना है इस कार्य के लिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि ऐसे विवेकशील नागरिक तैयार करना जो प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा का प्रसार करे, यानी कि प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, उन चीजों को जैसे आपका समाजवाद है, जैसे आपका भ्रातृत्व भाईचारा है, जैसे आपका स्वतंत्रता है, समानता है ना, इन सब चीजों की जानकारी उनको अच्छी तरह से दी जानी चाहिए। ज्ञान में सदैव जो खोज करता रहे, ऐसे बालक तैयार करें, व्यवसाय का प्रबंध करे और देश के भौतिक प्रभावों की पूर्ति कर सके, यानी कि देश की आर्थिक स्थिति में वो अपना कुछ सहयोग कर सके। अगर कोई आर्थिक संकट आ रहा है तो उस आर्थिक संकट को कैसे दूर किया जा सकेगा, उसका समाधान क्या हो सकता है, कुछ लोग अपने सुझाव प्रस्तुत करें, इस प्रकार से बच्चों को तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें बताया है उन्होंने कि ऐसे नवयुवकों का निर्माण करना जो अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करे, उसमें योगदान दे सके। अपनी संस्कृति जो है, पहले तो संस्कृति के बारे में बताया जाना चाहिए, उसका महत्व क्या होता है, संस्कृति का उपयोगिता क्या होती है, संस्कृति की पहचान किस तरह से बनती है, उसको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, उसको कैसे विकसित कर सकते हैं, और आप उसको अपनी प्रतिभा से, अपने कार्यों से, अपने ज्ञान से उस संस्कृति को क्या योगदान दे सकते हैं जो अपना भारत देश जो है वो ऊंचा हो सके, उसका नाम रोशन हो सके, है ना। हमें जैसे उन्होंने बताया कि हर क्षेत्र में नेतृत्व तो आना चाहिए, लीडरशिप आनी चाहिए। जैसे खेल का मैदान है तो खेल के मैदान में जैसे आपका रोहित शर्मा है या विराट कोहली है, इससे पहले आपके सचिन तेंदुलकर थे, युवराज थे, तो उन्होंने खेल के मैदान से है अपने राष्ट्र का नाम रोशन किया है, है ना। जैसे आपके अमर्त्य सेन है, उनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। जैसे आपकी संगीत की जो एक गायिका रही है लता मंगेशकर जो है, वो विश्व स्तर की गायिका के रूप में मानी जाती थी, उनको भारत रत्न मिला था उनको, और विश्व स्तर के कुछ और भी सम्मान उनको मिले थे। तो कुछ इस तरह की कुछ प्रतिभाएं होती है जो विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन करती है। नेक्स्ट इसमें बताया कि विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण होगा। चरित्र निर्माण को देखो शुरू से ही ये बता रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर क्या, माध्यमिक स्तर पर क्या, उच्च स्तर पर क्या, ये चरित्र का तो शुरू से होता है। अगर चरित्रवान बच्चा शुरू से ही बन जाए तो आगे चल करके तो वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति बन जाता है, उसमें बहुत सारे नैतिक गुणों को डेवलप किया जा सकता है, तो शुरू से ही ये प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट इसमें आता है कि विद्यार्थियों में जो प्रजातांत्रिक मूल्य होते हैं, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, न्याय, इनका संरक्षण, उनका संवर्धन करना, जो एक प्रजातंत्र के लिए जो एक उसके पिलर होते हैं, स्तंभ होते हैं, जो उसकी नींव होती है, जो आपकी बताइए स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता है, इन सब चीजों की पूरी तरह से जानकारी देना और उसको संरक्षित रखने के लिए उसके उपाय खोजना है, उसका सहयोग करना, ये सब चीजों की जानकारी उनको दी जानी चाहिए। नेक्स्ट बताया कि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय अनुशासन की भावना का विकास करना। राष्ट्रीय अनुशासन, एक राष्ट्र जो है उसका क्या अनुशासन होता है, उसके कौन से नियम है, उसके कौन से कानून है, उसमें हमें बिलीव करना, उसके प्रति सम्मान की भावना रखना, उसको इज्जत देना है, ये सब चीज आ जाती है इसमें। नेक्स्ट आया इसमें कि विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास भी करना, यानी कि बालक जो है वो छोटे बालक नहीं है, अब उनको राष्ट्रीय की जो भावना है वो तो जागृत हो ही गई है, उसके बाद उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनको एक समझ होनी चाहिए, बोध होना चाहिए कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो जितने भी देश होते हैं, अगर वो आपस में परस्पर निर्भर से रहेंगे, एक दूसरे को सहयोग से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो ही एक विश्व संस्कृति जो है वो बच सकती है, विश्व ज्ञान जो है बच सकता है, मानव जो है वो
बच सकता है इसमें, है ना। नेक्स्ट इसमें आता है विद्यार्थियों का आध्यात्मिक विकास करना, यानी कि विद्यार्थियों को अब उनका जो मन मस्तिष्क है वो ऊंचा उठाना है, बड़ा बनाना है, उनकी जो संकुचित विचारधारा थी उसको वो एक ब्रॉडिंग या विस्तृत उसकी विचारधारा को कर देना है, और उसको जो है एक खाली एक धर्म के प्रति जो उसकी आस्था है वो होना है, और उसको बताना है कि सभी धर्म जो है समान है, सभी धर्मों के सिद्धांत जो है उनकी थ्योरी जो है वो सब बहुत अच्छी है, जहां से भी हमें कुछ अच्छा मिल सकता है उसको लेने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। सभी संस्कृतियों के प्रति में सम्मान करना है, सभी के धर्मों के प्रति में सम्मान करना है, सभी के जो धर्म ग्रंथ है उनको भी इज्जत देनी, सम्मान देना है, उनसे अगर मिलता है तो हमें लेने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की भावना बच्चों के अंतर्गत डेवलप करनी है। अब तीसरा चीज आता है कि शिक्षा का, उस शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, है ना। तो पाठ्यक्रम में इन्होंने बताया है जब कि स्नातक पाठ्यक्रम जो है 3 वर्ष का किया जाना चाहिए, इसमें इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि स्नातक स्तर पर सभी वर्ग जो है आपका, जैसे आपका कला है, विज्ञान है, व्यवसाय और तकनीकी है, उनका विस्तृत उनका पाठ्यक्रम किया जाना चाहिए। इसमें भी यानी कि ये नहीं जैसे कला है तो कला में खाली समाजशास्त्र दे दिया या हिंदी इंग्लिश दे दिया ना, उसमें संस्कृत भी होनी चाहिए, उसमें जो और क्षेत्रीय भाषाएं आपकी अरबी है, फारसी, उसमें वो भी होना चाहिए। जैसे आपका इकोनॉमिक्स है, जैसे आपका भूगोल है, जैसे आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इसमें भी अगर और भी कुछ क्षेत्र खुल सकते हैं तो उनका जो है पाठ्यक्रम विस्तार होना जरूरी है। उनमें छात्रों को अपनी रुचि और आवश्यकता अनुसार विषयों के चयन में व्याप्त छूट होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है कि स्नातक स्तर पर सभी वर्गों के जो 3 वर्ग बताए हैं, कला, विज्ञान, व्यवसाय और तकनीकी, है ना, तो इनमें सामान्य शिक्षा और धार्मिक शिक्षा भी अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। जो उनकी सामान्य शिक्षा उनको दी जा रही है, इसी स्तर पर 3 साल जो है धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। फर्स्ट ईयर में क्या, सेकंड ईयर में क्या, फाइनल में क्या, उसका भी पूरी रूपरेखा इन्होंने तैयार कर रखी है। नेक्स्ट इसमें आता है कि सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा में भी समन्वय किया जाना चाहिए। एक सामान्य शिक्षा होती है, विशिष्ट शिक्षा होती है, तो विशिष्ट शिक्षा के भी कुछ पीरियड्स में लगाए जाने चाहिए। स्नातक स्तर पर अंग्रेजी भाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, यानी कि अंग्रेजी को भी इन्होंने जरूरी बताया है, और हिंदी जो राष्ट्रभाषा है हमारी, है ना, उसके उसको अनिवार्य रूप से पढ़ाने के लिए इन्होंने एक प्रबल उस पर जोर दिया है, फोकस दिया है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि व्यवसायिक और तकनीकी वर्ग के पाठ्यक्रम क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाने चाहिए, यानी कि जो उनका पाठ्यक्रम है व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा का, वो जितनी समाज की आवश्यकता है, डिमांड है, उनके विचारों को सुन करके, उनकी बातों को सुन करके फिर पाठ्यक्रम को तैयार किया जाना चाहिए, और उसके लिए विशेषज्ञ तैयार किए जाने चाहिए। पूरे देश के जो स्नातक व्यवसायिक पाठ्यक्रम है उसमें ज्यादा से ज्यादा एकरूपता लाने की कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो है, स्नातक कोर्स उत्तीर्ण छात्रों के लिए 2 वर्ष का होना चाहिए और ऑनर्स कोर्स उत्तीर्ण छात्रों के लिए 1 वर्ष का होना चाहिए। जो बीए बीएससी जो है ऑनर्स से करते हैं तो उनके लिए 1 साल का पीजी कोर्स बताया, और जो साधारण बच्चे हैं जो 3 साल का बीए बीएससी का कोर्स करता है उनके लिए 2 साल का पीजी कोर्स बताया है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में किसी एक विषय का गहन अध्ययन ही कराया जाना चाहिए, यानी कि जैसे सोशियोलॉजी में आप पीजी करना चाहते हैं, या गणित में पीजी करना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप जो है पीजी करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसका गहन अध्ययन कराया जाना चाहिए, और उसमें विषय की शोध विधियों का ज्ञान और प्रशिक्षण भी अनिवार्य होना चाहिए। और लास्ट में इन्होंने बताया है कि शोध कार्य के लिए कम से कम 2 वर्ष की अवधि अनिवार्य होनी चाहिए। जो शोध कार्य इसमें किया जाएगा रिसर्च वर्क, 2 साल की अवधि तो कम से कम होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल की हो सकती है। शोध कार्य के अवसर केवल उन्हीं छात्रों को दिए जाने चाहिए जो स्नातकोत्तर कक्षा में कम से कम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो, यानी कि अच्छे बच्चों को शोध कार्य का अवसर दिया जाना चाहिए। जिनकी शोध कार्य में रुचि हो, जिनके
शोध कार्य करने की बौद्धिक क्षमता हो और उनका चयन भी एक अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा होनी चाहिए, उसके आधार पर किया जाना चाहिए। जो बच्चे उसमें पास हो जाए तो उनको वो कार्य कराना चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स।